लड़कियां बताएं, लड़के नहीं, लड़कों का तो ये सच है ही, कहने की बात ही नहीं है। लड़कियां बताएं कि ये जो कहानी सुनाई गई है ये सच में होता है या उस औरत को पागलपन का दौरा पड़ गया था, सच है कि झूठ है? किसी को बताऊंगा नहीं, अब चिंता ना करें, अब खुल के अपनी बात करें, सच है कि झूठ है? मैं जिसको देख रहा हूँ ऐसे जग रहे होंगे, हम क्यों बताएं भाई, हम क्यों पोल खुलवाए अपनी, अब बताएं। दिखता है अगर आपको किसी कहानी या उपन्यास पढ़ के ये भरोसा जगाने कि हाँ ये समाज का सच है, तो हम कहेंगे कि इसकी कथा वस्तु क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। कथा वस्तु की एक ही शर्त है कि विश्वसनीय होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। डिपेंडेबल का इस सेंस में कि आप उससे भरोसा कर लें कि हाँ ये सही बात बताई जा रही है हमें। जैसे एक उपन्यास है गोदान, या एक कहानी है यही सच है जो कि आप जल्द ही पढ़ने वाले हैं। यही सच है में वही सच बताया गया जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, मन्नु भंडारी की कहानी है, एक लड़की है। वो लड़की पहले किसी से प्यार करती थी जब किशोरावस्था के अंतिम दौर में थी, 18, 17, 18, 19 साल का जो प्यार होता है जिसको लोग पहले पहला प्यार कहते थे, आजकल वो 7वां 8वां होता है, एक जमाने में पहला होता था। तो उसको किसी से प्यार हुआ था, निशीथ नाम के लड़के से प्यार हुआ था, और बहुत टूट के प्यार हुआ था। बाद में कुछ हुआ, निशीथ ने भाव देना बंद कर दिया। आमतौर पर हमारे समाज में लड़कियां भाव देना बंद करती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के ने भाव देना बंद कर दिया, ये ऐसा होता है आजकल? दोनों चल रहे हैं, ठीक है, चलिए दोनों चल रहे हैं, बढ़िया है। तो इसका दिल टूट गया, इसको लगा अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेली हो गई, अब असुरक्षा, अकेलापन, बेचैनी वो सब होने लगा। तो उसको एक बुजुर्ग प्रेमी मिला, बुजुर्ग निशीथ की तुलना में, क्योंकि वो 17-18 साल का था, अब जो मिला वो 30 के आसपास का है। उसका नाम है संजय, बहुत मैच्योर है, 30 में लोग मैच्योर हो ही जाते हैं, 30 की उम्र में तो ठीक ठाक ठहरा हुआ जाता ना जीवन में। अब संजय से ये बात करती है तो इसको लगता है कि सच्चा प्यार तो यही है मेरा, हालांकि उसको मजा नहीं आता बात करके। 2 घंटे बैठे हैं, बात कुछ होती नहीं, और बात हो रही है थीसिस पे हो रही है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है, यही पढ़ाई कर रही है। आप कल्पना कीजिए, नायक नायिका बैठे हैं, बिहारी कैमरा लेके पीछे खड़े हैं, और बातें क्या चल रही है, तुम्हारे थीसिस में हाइपोथीसिस तैयार हो गया है? वो कह रहे नहीं, अभी मैं एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस कर रही हूँ, अभी रिसर्च के लिए, फील्ड रिसर्च के लिए जाना है, फेलोशिप के लिए अप्लाई किया है। वो कह रहे बहुत अच्छा, फेलोशिप UGC की है, CSIR की? कह रही कोशिश कर रही हूँ कि MIT से मिल जाए, नहीं तो फिर यही मैनेज करूंगी। और तुम बताओ तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है? कह रहा मेरा भी शोध कार्य ठीक चल रहा है, अभी हड़प्पा की खुदाई करके आया हूँ। और बिहारी कह रहे कि रील खराब हो रही है मेरी पूरी की पूरी, कुछ तुम काम की बात है, कहा तड़प कुछ करो, मैं आगे बात को बढ़ता। अब 2 घंटे मिल के आए तो हो गया कि हाँ चलो प्रेमी प्रेमिका ने बात कर ली है। अगर प्रेमी प्रेमिका ये बात करेंगे तो सड़क के लोग आपस में क्या बात करेंगे फिर? ये तो वैसी बात चल रही है, लेकिन असुरक्षा है। कह रहे नहीं नहीं, उसके मन में था कि निश्चित अच्छा, नहीं 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 यही यही ठीक है, यही मेरा सच्चा प्यार है, वो तो बचपन की भूल थी, वो तो ऐसे ही था, सच्चा प्यार तो ये है। फिर एक बार अचानक उसको किसी काम से जाना पड़ा कोलकाता, कोलकाता में रहता निशीथ, अभी ये कानपुर में है। जैसे ही जाना पड़ा पहले उसके दिमाग में वहां तो वो रहता है, नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं चली जाती हूँ, काम तो करना ही है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उस शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं पर आपको एक ही पे दिमाग अटका हुआ पूरा का पूरा, ये भी तो संकेत है कि कितना भी कोशिश करके भूल तो नहीं पा रहे उसको। फिर वहां गई है, वो मिलने भी आ गया, मिलने आया तो इसके भीतर बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हुए बहुत तेजी से उसके बाद। अब दोनों साथ साथ एक टैक्सी में जा रहे हैं और इसको लग रहा है कि बस निश्चित एक बार तुम कह दो सब छोड़ के आ जाऊंगी। वो कह भी नहीं कर रहा है, मतलब वो कह ही नहीं रहा है, इस बात को बिहार की भाषा में जितना अच्छे से कह सकते हैं ना उतना सामान्य भाषा में कह नहीं सकते। खैर वो कह ही नहीं रहा, इसको बार बार लग रहा है कि ये भी मुझे चाहता है। फिर कह रही है कि सच्चा प्यार तो ये है, वो तो थीसिस की बातें हैं, वो प्यार थोड़ा है, प्यार तो ये है। अब अंतिम दिन ये ट्रेन में बैठी है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है छोड़ने के लिए, DDLJ जैसा सीन होने की संभावना है, पर हुआ नहीं। इसने अपनी ओर से उसको संकेत भी कर दिया है कि देखो
मैं तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार हूं, तुम बस एक बार हाँ कह दो, बस सब छोड़ के आ जाऊंगी, संजय भाड़ में जाए मैं आ जाऊंगी, तुम बताओ ना। निश्चित ने कुछ कहा नहीं खास। अंत में जो अभिव्यक्ति है उससे दोनों अर्थ निकल रहे हैं कि हाँ भी है ना भी है, समझ नहीं आ रहा इसको। अब ये घर गई है संजय से मिलने, 2 दिन बाद, वो शायद है नहीं। अब 2 दिन बाद संजय आने वाले, इसको लग रहा है कैसे मना करूंगी संजय को, पर करना होगा मना, क्या करूंगी। इतने में निशीथ की चिट्ठी आई है, ये दौड़ के गई चिट्ठी पढ़ने के लिए। इसको लग रहा है बस पतंग बन जाऊं मैं तो, इस समय उड़ जाऊं हवा में। और चिट्ठी में बड़ा सिंपल सा लिखा है जिसका भाव ये है कि नहीं नहीं हो पाएगा। और जैसे ही चिट्ठी पढ़ी है उसके एक आध मिनट के बाद संजय आ गया है, और ये संजय के साथ प्यार से बात कर रही है, और उसका मन क्या कह रहा है, सच्चा प्यार तो यही है। तो ये कहानी है, दिल एकदम आवारा वस्तु है, भरोसा नहीं है। इसी कहानी पर फिल्म रजनीगंधा फिल्म बनी, इसी कहानी पर, क्योंकि ये कहानी बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में और आपके पाठ्यक्रम में भी लगा दी गई है। अब आप मुझे ये बताएं, सच सच बताएं कि ये कहानी सुनने के बाद लड़कियां बताएं, लड़के नहीं, लड़कों का तो ये सच है ही, कहने की बात ही नहीं है। लड़कियां बताएं कि ये जो कहानी सुनाई गई है ये सच में होता है, उस औरत को पागलपन का दौरा पड़ गया था, सच है कि झूठ है। किसी को बताऊंगा नहीं, अब चिंता ना करें, अब खुल के अपनी बात करें, सच है कि झूठ है। मैं जिसको देख रहा हूँ ऐसे जग रहे हूँ, हम क्यों बताएं भाई, हम क्यों पोल खुलवाएं अपनी, आप बताएं सच है कि झूठ है। सच है, अच्छा आप बताएं, पता नहीं, अच्छा आप तो वो हैं अभी तक ऐसा। आप बताएं, नहीं झूठ है, सच है।